हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली आर्ट के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आर्ट ऑफ इंडस वैली कहते हैं। आर्ट ऑफ इंडस वैली, ठीक है। और इसका टाइमिंग है 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। ये इसका टाइमिंग है। और ये जो हड़प्पा, जो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको आद्य ऐतिहासिक और प्रत्यगैतिहासिक कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोई इसकी जो है लिखित विवेचना तो मिली थी इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण ही नहीं मिला था, केवल अवशेषों के आधार पर समय गणना की गई थी। लेकिन यहाँ पर लिखित अवशेष, लिखित प्रमाण मिलता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और ये आद्य ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आद्य ऐतिहासिक और प्रत्यागैतिहासिक, ऐतिहासिक इसके अंतर्गत आती है। इस काल के आद्य ऐतिहासिक प्रत्यय ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि केवीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आती है। तो आपकी वो प्रागैतिहासिक काल में नहीं आती है, क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक और प्रत्यागैतिहासिक काल में आती है, क्योंकि इसका लिखित विवरण था और वो वहां का लिखित विवरण नहीं था, ठीक है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो मतलब जो यहाँ पे नगर पाए गए हैं, वो सिंधु नदी के किनारे, ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे की कुछ सहायक नदियां थी उनके किनारे यह पनपी थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी इस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर कांसा धातु जो थी, कांसा होता है धातु, वो सबसे पहले यहाँ पर मिली थी, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं, कांस्ययुगीन। और यहाँ पर पक्की पकाई हुई ईंटें मिली थी, यहाँ जिसके अवशेष मिले थे, तो इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ पर नगर नियोजन इसका बहुत प्रमुख है, जिस तरीके से यहाँ पर नगर जाल डालकर और नालियों का अच्छा सा निकासन बनाया है इन्होंने, उस तरीके से नगर नियोजन के लिए बहुत फेमस, बहुत प्रमुख है, तो इसे नगर नियोजन की सभ्यता भी कहते हैं, और इसे मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ के जो लोग थे, जहाँ जो यहाँ के मूल निवासी थे सिंधु सभ्यता के, वो द्रविड़ थे, जरूर याद रखिएगा, यहाँ के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे। और यहाँ जो है 1878 में, 1878 में कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा टीला था, हड़प्पा टीला, इसको सर्वप्रथम इन्होंने देखा था, कनिंघम ने सर्वप्रथम, ठीक है। और 1921 में दयाराम साहनी ने इस टीले की खुदाई करवाई थी अपने निर्देशन में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले इस टीले को देखा किसने था, तो 1878 में कनिंघम ने देखा था इस टीले को, और 1921 में सर्वप्रथम इन्होंने दयाराम साहनी ने के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। और 1924 में जान मार्शल और अर्नेस्ट
अर्नेस्ट मैक ने इसका जो है और भी ज्यादा विशद विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है, और भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेके इन्होंने प्रस्तुत किया था अपने लेख में, और भी अन्य स्थलों की इन्होंने, इन दोनों लोगों ने, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक ने 1924, सॉरी मैंने 25 लिखा है, 1924 में इसके इन्होंने अन्य भी स्थलों की खोज की है। और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये जो टाइमिंग है आपकी 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, इसमें भी अलग अलग टाइमिंग दी हुई है बहुत सारी, तो आपकी मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ सब, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग विद्वान थे उनके मत के अनुसार अलग अलग टाइमिंग थी, तो उस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से दे देते हैं। मैं आपको चार पांच है वो मैं लिखाई दे रही हूँ, तो वहां पे जो भी आए, क्योंकि एक ही आएगी तो हो नहीं सकती है, तो आप उसी पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो ये विद्वानों के अनुसार जो डेट्स थी उनको लिखवाई दे रही हूँ। तो यहाँ पर इस सभ्यता का जो समय है उस पर विभिन्न विभिन्न मत हैं विद्वानों के, तो उन्हें मैं आपको बताई दे रही हूँ। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका जो समय है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया जाता है, ईसा पूर्व, ठीक है। और माधव स्वरूप वत्स इनके अनुसार इसका जो समय है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताया जाता है, माना जाता है। और मार्टिनर मार्टिनर व्हीलर इनके अनुसार इसका सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, ईसा पूर्व। और जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। और कला विलास के अनुसार, कला विलास के अनुसार 2700 से 1700 ईसा पूर्व इसका टाइमिंग माना जाता है, ठीक है। तो आप ये सारे टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन, और जरूर देख लीजिएगा ये सारे टाइमिंग। और ज्यादातर एग्जाम में कला विलास के अनुसार ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये आपको 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व पहले बताया है। तो ये, लेकिन ये सारे आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी टाइमिंग दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो अन्य सभ्यताएं पनपी थी, क्वेटा सभ्यता है, झुकर झांगर सभ्यता है, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उनका जो टाइमिंग है उनके बारे में, और किसने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखिए बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगी ताकि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो आप उसे लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, केवल 1 या 1.5 महीना बचा हुआ है, सितंबर में संभावित डेट है इसकी, तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिए। तो इसके समकालीन जो सभ्यता पनपी थी सभ्यताएं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो इसके समकालीन और उसी टाइम की सभ्यताएं थी वो थी क्वेटा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की साथ की सभ्यताएं हैं। तो इसका समय था 3500 से 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। और दूसरी है अमरी नुन दराल सभ्यता, तो इसका टाइमिंग है 3000 से 1800 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। और उसके बाद तीसरी है छोब सभ्यता, सभ्यता इसका टाइम है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। और उसके बाद है कुल्ली मेही सभ्यता,
सभ्यता। इसका टाइमिंग है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, ठीक है। और उसके बाद है झुंकर झांकर सभ्यता, झुंकर झांकर सभ्यता, इसका टाइम है 1500 ईसा पूर्व। तो ये सभ्यताएं थी जो इसके साथ इसके समकालीन थी। जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तो इन सभ्यताओं की भी खोज हुई थी। और ये जो सारी सभ्यताएं हैं ये सारी पाकिस्तान में स्थित हैं। और दक्षिण भारत में जो सभ्यता थी इसके समकालीन उसे गणेश सभ्यता कहते हैं, गणेश संस्कृत सभ्यता कहते थे। और ये सभ्यताएं सारी पाकिस्तान में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। और इसके बाद अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो किस किस जगह पर था, कहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी उनको भी दिया रहता है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो विस्तार जिस तरीके से फैला हुआ था, तो इसका जो क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का करीब लगभग 13,00,000 वर्ग किलोमीटर में ये होगा। इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और लगभग 13 लाख, इसको अगर पूरा जोड़ेंगे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा इसका आकार था, जहां जहां तक ये फैली हुई थी। तो इसे जरूर याद कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ये आ जाता है क्वेश्चन। और जो इसका आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का वो त्रिभुजाकार था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका क्षेत्रफल मतलब जो है किस आकार में था, तो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार तो आप जानते होंगे ये, ठीक है, इस आकार में था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ऐसे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, पूर्व में कौन सा क्षेत्र था, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन सा क्षेत्र था। तो ऐसे थोड़ा सा डायग्राम आपको आइडिया के लिए बना के दिखाई दे रही हूँ। तो ये आपका हो गया पूरब और ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर के साइड में मांडा जिला था, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये था। और यहाँ पूरब में आलमगीर नगर था, यहां तक फैला हुआ था आलमगीर नगर जो कि मेरठ में है यूपी। और पश्चिम में बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, सुप्ता गैंडोर, मतलब सुप्ता गैंडोर जगह थी, बलूचिस्तान में है ये, ठीक है। और दक्षिण में दाइमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो इतनी जगह इसका क्षेत्र फैला हुआ था। तो उत्तर में कभी एग्जाम में आ जाता है कि उत्तर के साइड में इसका कौन सा स्थल है, तो मांडा है जम्मू कश्मीर, पूरब में है आपका आलमगीर नगर मेरठ, और आपका ये पश्चिम में आपका सुप्ता गैंडोर बलूचिस्तान, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में है ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है एग्जाम में। और इसका जो आकार था वो इस तरीके से कुछ था, त्रिभुजाकार, ये यहाँ पर ऐसे, इसीलिए इसे त्रिभुजाकार कहा जाता है इसका आकार जो था। तो ये आप थोड़ा सा इसे जरूर ध्यान दे दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके जो कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल है, कालीबंगा है, चनूदड़ो है, रोपड़ है, और भी बहुत सारे स्थल हैं, वनमाली है, रंगपुर है, तो इनके इनका जो समय है कब इनकी खोज हुई थी और किसने की थी और किस जगह पर स्थित हैं और किस नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो उनका एक मैं आपको डायग्राम पूरा बना के नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।